आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रही। हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और शाम का वक्त हो रहा है, बंदर आए हुए हैं बाहर, लेकिन हवा अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है आज। तो मैंने सोचा बाहर बैठ के थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं। पतंग उड़ रही हैं, ठीक है। और मैं ये फूल देख रही थी, और साथ साथ में एक अजीब सा मन में ख्याल आता रहता है। मतलब मेरे तो आता है, आप मतलब मेरे हिसाब से सबको सबके मन में आता है। पता है क्या ख्याल आता है कि हमारे अंदर से पता नहीं कौन बोलता है, मतलब कोई भूत भूत नहीं, मतलब एक ऐसी चीज़ बोलती है जिसकी खोज सभी कर रहे हैं। मतलब कोई साइंटिस्ट कोई भी नहीं कर पाया है, नहीं। जो हमारी जो आवाज़ निकलती है कहाँ से निकलती है? हम बोलते हैं जहाँ से, जिसको कोई लोग आत्मा बोलते हैं, कोई लोग मन बोलते हैं, कोई लोग मतलब अलग अलग इनके मीनिंग अलग अलग लगा लेते हैं, लेकिन कोई दिल बोलता है, लेकिन वो चीज़ तो एक ही है ना। कहीं से वो हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इंसान के अंदर से वो निकल जाती है, वो आत्मा मन जो मतलब शरीर के अंदर से निकल जाता है, फिर उसके बाद शरीर बसता है, है ना। फिर उस शरीर का क्या क्या कुछ भी नहीं करता, कोई भी नहीं उस शरीर के पास बैठता तक नहीं है, है ना। तो ये अंदर क्या है हमारे, जो हमें इतनी वो हर मुसीबत से लड़ने की और खुश रहने की, मतलब हर हाल में जीने की प्रेरणा देता है, ऐसी क्या चीज़ है? आपके मन में ये ख्याल आता है कभी? मेरे मन में बहुत बार आता है, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा प्रवचन देखती हूँ, और मतलब जानने की भी काफ़ी ज़्यादा जानने की कोशिश करी है मैंने इस बारे में, लेकिन शायद मोटा दिमाग है तो अभी तक मैं सही निष्कर्ष पे नहीं पहुँची हूँ। और जहाँ तक मेरा खुद का मानना है, तो मुझे ये लगता है कि जो भगवान होते हैं ना, वो सबके अंदर बैठे होते हैं, हम सबके अंदर हैं। और जैसे हमको भी कोई गलत निर्णय लेते हैं, या फिर जब हम छोटे छोटे थे तो बहन भाई की कोई टॉफ़ी वगैरह खा जाते थे, कुछ और खा जाते थे, कोई भी चीज़, चॉकलेट, आइसक्रीम, कुछ भी मिल जाता तो हमने किसी दूसरे की खा ली ना घर में, तो हमारे पहले एक मन में ख्याल आता था, अगर उसने उसको पता चल गया तो मेरे हिसाब से वही होता है कि एक बार हमेशा गलत के बारे में ज़रूर बताएंगे भगवान, जब हम गलत कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन हम नहीं मानते, हम दोबारा जो गलत होता है ना हम उसी का साथ देते हैं, नहीं। तो शायद मेरे को समझाना नहीं आ रहा आप लोगों को, लेकिन ये मेरे मन में बात है, किस किस के दिमाग में ऐसा कुछ चलता रहता है उल्टा पुल्टा, मुझे बताना आप लोग। और मतलब ब्लॉग, पता है ब्लॉग का क्या है, ब्लॉग वही सबके घर में एक ही काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन, नहीं। और मतलब सबकी डेली रूटीन लाइफ एक ही होती है मेरे हिसाब से, तो डेली लाइफ पे मैं क्या बनाऊँ? सही बताऊँ तो मैंने ब्लॉग इसलिए छोड़े थे कि मेरे पास कोई ऐसा वो था ही नहीं, मुझे लगता था क्यों बिना बात लोगों को बोर करना, आप सबको बोर करना, ठीक है। और रोज़ रोज़ एक ही वो क्या, और कॉमेडी मतलब खुशी है, तो इंसान अंदर से अपनी अपनी लाइफ में सभी एक तरीके से खुश हैं, और सभी दुखी भी हैं, नहीं। कोई ना कोई परेशानी तो सभी की लाइफ में है, लेकिन भगवान सबको एक जरिया देता है खुश रहने का, सबको, चाहे इंसान कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन उसके चेहरे पे भगवान मुस्कुराहट हमेशा रखता है, नहीं। तो ये उसके खेल हैं, कोई नहीं जान सकता, ठीक है। तो
शायद नहीं समझ में आ रहा अभी भी आपको, क्या बताऊँ, मेरे को नहीं समझाना आता, ठीक है। लेकिन अगर आप में से किसी को भी पता हो तो मुझे बताना कि ये आप लोगों के मन में अगर ये बात आती है तो आप लोग उसको जानने के लिए क्या, मतलब क्या करते हो, कि मेडिटेशन करते हो? क्योंकि मैं वो ध्यान नहीं लगाती, ठीक है। मैं हाँ भगवान को समझने की, भगवान को नहीं खुद को समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो ऐसे करके आँख बंद करके हाथ ऐसे करके वो ध्यान लगाते ना बैठ के, वैसे तो मेरे से लगाया नहीं जाता, लगाए के टाइम ही नहीं मिलता इतना, ठीक है। एक्सरसाइज का ही ज़्यादा नहीं मिलता क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, बाबू कभी 5 बजे उठ जाए, कभी 4 बजे उठ जाए, कभी 6 बजे उठ जाए, फिर यसु के स्कूल का, फिर थोड़ा बहुत घर का, नहीं इस चक्कर में रह जाता है। और ब्लॉग भी डेली के इसलिए नहीं बन पाते मेरे से, और घर का काम मेरे को खुद को ही वो लगता है कि क्या घर के काम, रोज़ रोज़ बर्तन धोते हुए, कपड़े सुखाते हुए, क्या आपके घर में भी है ये काम तो नहीं। इसलिए बस मेरे को ये चीज़ थोड़ी अलग लगती है कि हाँ अगर कुछ ऐसा हो कि दुनिया में सबसे नया हो, जिसको जानने की हम इच्छा रखते हो, कुछ ऐसा हो, मैं ये, मेरा तो मेन मकसद ये ही है कि मैं कुछ जानना चाहती हूँ और अपने लिए नहीं, मतलब किसी के फायदे के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए, कि मेरा मन हाँ उस चीज़ से तृप्त हो जाए कि हाँ ये बात सही है। अभी तक कंफ्यूजन में रहते हैं इंसान, हम जिसकी शरण में जाते हैं, मतलब किसी को हमने कहा हाँ भाई ये बिल्कुल सही बताएगा, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं हमें उस पर भी होने लगता है कि नहीं इसकी सारी बातें सही नहीं लगी, मतलब खुद के मन के अंदर से डाउट आता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेरा कुछ समझ में आया ना जो मैंने बोला तो मुझे बताइए, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद को ही समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला, लेकिन हाँ मेरे मन में ये सब बातें चलती हैं, ठीक है। मिलती हूँ आपसे, बाय, राम राम।